दर्श न्यूज मैं अभी मौजूद हूँ जमुई जिले के गिद्धौर के ऐतिहासिक धरा पर, जहाँ की सदियों से ये माँ प्रचंडे की पूजा होते चली आ रही है। जिस तरह से तस्वीर में आप देखिए दुर्गा मंदिर को जिस तरह से सजाया गया है और जिस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, कहीं न कहीं यह आस्था का केंद्र है और श्रद्धालुओं का यहाँ आस्था बनी रहती है। जिस तरह से आप तस्वीर से देखिए, तस्वीर में जिस तरह से लोग इस मंदिर में उमड़े हैं, भीड़ उमड़ पड़ी है और जिस तरह से पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं, कहीं न कहीं यह मंदिर दुर्गा मंदिर एक ऐतिहासिक धरा है। आपको बता दें कि ये यहाँ की पूजा 11वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। राज रियासत के चंदेल वंश के शासक थे वीर विक्रम सिंह के द्वारा यह मंदिर का निर्माण कराया गया था और तब से लेके आज तक यहाँ पूजा अर्चना होती आ रही है। और इस मंदिर को जनाश्रित कर दिया था 1996 में और तब से लेके 28 वर्षों से ये दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा यह पूजा कराई जा रही है। हमारे साथ स्थानीय सदस्य जुड़े हैं, स्थानीय लोग हैं, हम उन्हें उनसे जानने का प्रयास करेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि यह जो दुर्गा की जो पूजा होती है तांत्रिक विधि से और इसकी मान्यता अंतर राज्य स्तर तक पहचान बनी हुई है, क्या कुछ बोलेंगे इस पर, क्या कुछ ये बताएंगे, इनसे जुड़ने का प्रयास करें। क्या नाम है? आनंद कंचन नाम है मेरा। सबसे पहले मैं आपके चैनल को नवरात्र के माध्यम से नवरात्र दशहरे का हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों और श्रद्धालुओं को देता हूँ। गिद्धौर का ऐतिहासिक पूजा रहा है, यहाँ के लिए जितना बोला जाए कम है। 400 वर्षों से अनवरत माँ प्रचंडा की आराधना में इस इलाके के श्रद्धालु अंतर जिला बिहार झारखंड बंगाल से श्रद्धालु आते हैं और प्रथम पूजा से लेकर 9 पूजा तक यहाँ अनवरत माँ की असीम आस्था के साथ दंडवत देते हैं। माँ को दंडवती श्रद्धालुओं को माँ हर मनोकामना पूर्ण करती है उसकी जो वो चाहते हैं। और दूसरी बात रही कि आज सूबे भर में महानवमी मनाया जा रहा है, यहाँ महाअष्टमी है गिद्धौर में, तो यहाँ का ऐतिहासिकता और यहाँ के राज रियासत द्वारा चले आ रहे परंपरा है। पहले तो इस नदी को नाम उज्जवलिया नदी के रूप में जाना जाता था, अभी वर्तमान में इसको नागी नदी या फिर उलाई नदी के नाम से जाना जाता है और श्रद्धालु जिस तरह से वहाँ शुरुआती पूजा से लेके अंतिम मध्य तक जिस तरह से श्रद्धालु वहाँ से नहा के स्नान करके और दंडवत प्रणाम करने दुर्गा मंदिर पहुँचती है, इस पर आप विस्तृत जानकारी। ये दंड प्रणाम की प्रथा अंग्रेज के जमाने से चली आ रही है, राजा महाराजाओं के जमाने से चल आ रही है। उज्जवलिया नदी उस वक्त इसे कहा जाता था, जो आज वर्तमान में उलाई नदी है। इसका इस नदी से स्नान कर जो भी महिला और पुरुष श्रद्धालु माँ को दंड प्रणाम प्रथम पूजा से लेकर 9 पूजा तक करते हैं, माँ प्रचंडा उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये ऐतिहासिक परंपरा रहा है माँ प्रचंडा का, जो पूरे सूबे में कहीं नहीं होता है, सिर्फ गिद्धौर में होता है। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य हो या ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश या फिर स्वतंत्र भारत का जो अभी चल रहा समय, उस काल से ही पूजा अर्चना चली आ रही है माँ दुर्गे की, माँ प्रचंडे की। ऐसे में कहा जाए कि इसकी मान्यता अंतरराज्यीय स्तर तक है, बहुत सारे कार्यक्रम इस पूजा के दौरान हुआ करते थे, इसके बारे में आप क्या? ये कार्यक्रम पूजा के दौरान हुआ करते थे, गिद्धौर महोत्सव जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और गिद्धौर निवासी स्वर्गीय दिग्विजय सिंह उर्फ दादा के द्वारा प्रयास किया गया था। उस समय देश भर के बड़े बड़े कलाकार यहाँ माँ प्रचंडा की आराधना में आते थे और लोगों को भक्ति जागरण हो या अन्य गीत संगीत के माध्यम से पूरे 1 पूजा से लेकर 7 पूजा तक मनोरंजन करते थे लोगों का, और बड़े बड़े कलाकार यहाँ आते थे माँ प्रचंडा का आशीर्वाद लेने के लिए। कहा जाए कि मतलब जिस तरह से मुगल काल से ये पूजा अर्चना होते आ रही है, कहीं ना कहीं ये इसकी मान्यता दूर तक है, देश भर में गिद्धौर के दशहरा का मान्यता है, देश पूरे सूबे में ये अलग स्थान रखता है, बिहार में ये इसका अलग स्थान है गिद्धौर के दशहरा पूजा का। यहाँ की पूजा तांत्रिक विधि से होती है, बंगाल और झारखंड राज्य के देवघर से विद्वान पंडित आते हैं, यहाँ तांत्रिक विधि से पूजा होती है। यहाँ पे सप्तमी अष्टमी नवमी और दशमी का इस बहुत खासा महत्व है यहाँ की पूजा। ऐसा है कि कहा जाता रहा कि जिस तरह से आप दुर्गा पूजा ये चंदेल वंश के राज रियासत विक्रम कुमार सिंह इस मंदिर का निर्माण करा है और तब से पूजा अर्चना चली आ रही है, लेकिन कब कैसे और कब दुर्गा पूजा प्रारंभ हुआ इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, इस पर जानकारी? देखिए किसी को जानकारी नहीं, दुर्गा पूजा का प्रारंभ यहाँ कब हुआ नहीं हुआ, ये 400 वर्ष पुराना इतिहास है। आपको जो भी बताएंगे वो अंदाज से बताएंगे। अब उस समय के जो महाराज हुआ करते थे उन्होंने वो दुर्गा पूजा की ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर का निर्माण कराया,
उसके बाद इस पूजा की शुरुआत हुई और तब से लेकर आज तक अनवरत यह मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ। देखिए ये माँ प्रचंडे की पूजा की हम और विशेष जानकारी देंगे। हम यहाँ जो विद्वान पंडित तांत्रिक विधि से पूजा कराते हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से पूजा कराई जाती है तांत्रिक विधि। मैं अभी मौजूद हूँ गिधौर के दुर्गा मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ से पूजा अर्चना हुआ। पूजा अर्चना के दौरान हमें विद्वान पंडित के द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस दुर्गा पूजा में क्या विधि होती है और क्या विधान होता है और किन आदेशों और निर्देशों का पालन किया जाता है। इस तरह से सदियों से ये दुर्गा पूजा चली आ रही है गिधौर। प्रचंडे माँ के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि काली है कलकत्ते में, दुर्गा है प्रचंडे में। ऐसे में इनकी जो माता की पूजा होती है उस किस विधि से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार रूप से बताओ। ये प्रचंडे की जो पूजा है ये आदिकालीन पूजा हो रही है। लगभग इसका इतिहास 1699 से आसपास से शुरू हुई है और अभी तक जिस विधि से चलती आ रही है उसी विधि से अभी तक चल रही है। ये तांत्रिक पूजा है, तंत्र विधान के अनुकूल सारी परिस्थितियों का पालन किया जाता है। कोई मन्नत यहाँ मांगते हैं, जैसे दंडवत कोई देते हैं तो उनका जो पुत्र प्राप्ति की कामना हो दंडवत देने से उनकी हो जाती है। कहा जाता है ये 56 भोग लगाई जाती है। हाँ, इसमें ये तांत्रिक पूजा में 56 प्रकार की विधि, 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। उसमें अनेक ये रहस्य पूजा है, रहस्य पूजा की जानकारी मैंने सबों को नहीं दी जा सकती है। जो उसके लायक होते हैं, जो कर्मकांड में वहां तक पहुंचे हुए हैं, वही लोग उनके रहस्य की पूजा के बारे में समझ सकते हैं और उनको दिखाया जा सकता है। कहा जाता है कि माँ प्रचंडे या दुर्गे की पूजा करने से धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। हाँ, जैसे कलकत्ते की काली और प्रचंडे में दुर्गा, ये कहावत है और ये कहावत ही नहीं बल्कि ये सर्वसम्मति से सबको स्वीकार है और इतना विश्वास है, आस्था है जो कि प्रचंडे में कि दुर्गा को पूजा करने से विधिवत जिनको पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति की कामना, उनको पुत्र होते हैं, जिन्हें अनेक तरह से परेशानियां होती हैं, सारी परेशानियां ये दूर करती हैं, आने वाले समय में भी सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं। इसलिए इनको प्रचंडे की दुर्गा को जगत धात्री है ना, विधात्री के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ बलि की प्रथा है, वो प्रथा यहाँ की बलि की प्रथा परंपरागत है। यहाँ पंचबलि होता है, सभी प्रकार की बलियां दी जाती हैं और ये परंपरागत रूप से चली आ रही है। कि हम प्रचंडे में माँ प्रचंडे के मंदिर के गर्भगृह में है और हमारी बात हो रही थी विद्वान पंडित जो देवघर से चलकर आए हैं, बोले महेश्वर महाराज जी से हो रहे थे हमारी बात और वो बता रहे थे कि दुर्गा माँ दुर्गे की पूजा किस विधि विधान से होती है, तांत्रिक विधि से होती है, वो सारी जानकारी हमें बताए महाराज जी। हम प्रयास करेंगे कि इस शारदीय पूजा दुर्गा पूजा समिति के कमिटी से भी बात करने प्रयास करेंगे, उनसे भी जानने प्रयास करेंगे कि मेले में जो मेला का आयोजन हो रहा है वो किस रूप से और किस तरह की व्यवस्था किया। फिलहाल दर्श न्यूज के साथ मैं धनंजय कुमार।